वो सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं इस एल्बम पे, क्या कहना चाहेंगे? जी वेल, माय नेम इज़ रेबेका जंगेजा सेमा. आई एम श्योर यू ऑल विल नो बाय नाउ दैट आई एम फ्रॉम नागालैंड और ब्रदर इनके नागा इज़ ऑल्सो फ्रॉम नागालैंड. एक्चुअली बहुत ही रेयर है जो हम लोग का जगह से यू नो कोई खुद गाना भी लिखते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट ही कैन सिंग यू नो 25 to 26 डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो दैट्स एक्चुअली वेरी रेयर. जब उनका बारे में सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा. टैलेंट को आगे नहीं लाने से वहीं पे पीछे यू नो पीछे रह जाएगा. सो दैट वाज यू नो कंसर्न. तो वट एवर लिटल वी नो आई थिंक मुझे लगा कि इसको यहाँ पे बुला के इसका टैलेंट को दिखाना चाहिए. सो दैट आगे जाके यू नो हम लोग सबको अच्छा और कंट्रीब्यूट करें नाइस सॉन्ग एंड सबके अपने अपने कैरियर है. तो बहुत सारी उम्मीद ही है बिकॉज बैक होम ऑल्सो बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया. और इनका रिसेंटली जो अभी गाना यू नो एक वीडियो सॉन्ग जो वायरल हुआ है उसके बाद तो और बहुत एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है. तो काम करके ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत सारा यू नो पोटेंशियल है और बहुत कुछ करेगा ये भाई. एंड व्हाट अबाउट एलिना बीइंग द कास्ट ऑफ द एल्बम एंड अबाउट सिराज सर हु डायरेक्टेड द एल्बम? See, Alina, she's a surprise package, obviously, because it was very, you know, we've been working with many models and actress, you know, since over a decade now. But then to connect with, you know, good artists is very, very important, and she's one of the person. So, मुझे उसके साथ काम करके बहुत 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 अच्छी experience थी. शिराज सर के बाद तो उसके तो क्या बोलना, because we all are growing together. They want से you know, camera पकड़, you know. पकड़ के चलना, उसकी उंगली पकड़ के चलना तो एक ही साथ शुरू हुई. तो आप लोग को भी पता है वो चीज़, अरुण जी को भी पता है. सो दिस वाज एक्चुअली वन थिंग गुड अबाउट शिराज, ही लव आवर पीपल, ही लव नॉर्थ ईस्ट स्पेशली नागालैंड. ही हैज़ बीन टू नागालैंड मेनी अ टाइम. तो एनी टाइम कभी भी मैं उनको नागालैंड के बारे में बताऊँ या उनके यू नो वहाँ का जो यंगस्टर टैलेंट के बारे में बताऊँ, ही इज़ मोर देन वेलकम टू यू नो कम फॉरवर्ड. कोई नहीं करता इतना यू नो आउट ऑफ वे जाके अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस करके इतना प्यार देना, ये कोई और नहीं शिराज हेनरी ही कर सकता है. सो वर्किंग फ्रंट में तो मेरे हिसाब से आप लोग को भी एग्री होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं हो सकता. रेविका जी, दो सवाल आपसे. जी, पहली बात तो आज अब इस एल्बम के जरिए जो नए दर्शक आपके साथ जुड़ेंगे उनके बाद उनको कुछ अपने पिछले सफर के बारे में बताइए, क्या क्या फिल्में बनाई हैं? जी, हम लोग ने 2011 से शुरू किए थे प्रोडक्शन में. तो हम लोग ने अभी तक पांच यू नो 5 to 6 कमर्शियल फिल्म्स बनाई है, लाइक टीएमओ से लेके अभी तक रिसेंटली हम लोग का रिलीज़ हुई है लिटिल बॉय. तो ज़्यादातर मैं टारगेट करती हूँ क्योंकि यू नो नॉर्थ ईस्ट ऐसे एक जगह है इंडिया में ज़्यादातर बहुत लोगों को पता नहीं है. सो मैं टारगेट करती हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट वहाँ से ला के हम लोग एसोसिएट करें, वहाँ जाके शूट करें. क्योंकि आई एम श्योर आप लोग को भी पता होगा कि वहाँ का यू नो द लोकेशन कितनी सुंदर है. सो जितना भी मूवीज़ बनाई उसमें से 60% शूट तो नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है. सो आर्टिस्ट से लेके लोकेशन से लेके तो ये जर्नी एक्चुअली हैज़ अ फैशन डिज़ाइनर शिराज जी के साथ में ही स्टार्ट किया था. तब शिराज जी ही वॉज अ फोटोग्राफर दैट टाइम, यू नो छोटे से एक बैग लेके कैमरा लेके उनके पीछे पीछे घूमती थी मैं. सो जब लिटिल बॉय से लेके टीएमओ से लेके लिटिल बॉय तक हम लोग अभी 2-3 पिक्चर्स रिलीज हो चुकी है और बाकी का 3 अनदर मूवी अभी OTT प्लेटफॉर्म में आने वाला है बहुत ही जल्द. सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन. मुंबई महाराष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है जो भी है ना लाइफ में, नेम फेम यू नो वट एवर लिटिल आई हैव I got it from Maharashtra. एक आखिरी चुपता हुआ सवाल है, आज से 2 दशक पहले नागालैंड या सिक्किम या वहाँ से कोई आता था खास करके लड़कियाँ, तो उन्हें लोग कहते थे कि ये बाहर के लोग आए हैं, अजनबी है यहाँ पर. अब धीरे धीरे पहचान मिली, कैसा लग रहा है फील आपको? नहीं, ऐसा तो फीलिंग तो पहले जैसे था अभी भी ऐसा ही है. मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों का सोच में थोड़ा सा फ़र्क आया है क्योंकि थोड़ा सा यू नो माइंड ओपन माइंडेड होने लग गया है लोगों को अभी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इग्नोरेंस. उन लोग ज़्यादातर 90% लोग तो मेरे हिसाब से उन लोग का भी महाराष्ट्र के बाहर ही नहीं किया.
यू आस्क देम अबाउट आउटसाइड दे विल नो, बट नॉर्थ ईस्ट तरफ नहीं किया है. तो अभी मुझे लगता है कि उन लोग को थोड़ा बहुत है. हम लोग के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर देम देर वॉज अ टाइम आई यूज टू फील फनी, पर अभी मैं एजुकेट करती हूँ उन लोगों को कि एक इंडिया मैप बना के मैं उन लोगों को समझाता हूँ ये यहाँ पे जो समोसा टाइप का है ना यही नॉर्थ ईस्ट है. तो जैसे आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग को जो चाय के साथ समोसा मिलेगा आप लोग सोच लीजिएगा कि वो नॉर्थ ईस्ट है.